हाँ तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज भी पेट्रोल डीजल को लेकर रैली निकली है, कल भी मैंने एक वीडियो बना के दिखाया था और आज पूछता हूँ मैं इनसे कि आज भी क्यों निकाली है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम समरेंद्र कुणाल, राष्ट्रीय जनता दल। ये रैली क्यों निकाली है? ये रैली पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के अलावे जो खाद्य पदार्थ है, चड्डी से लेकर बनियान, सारे चीज में कीमत इतना बढ़ गया है कि लोगों को अब मुश्किल हो गया है। कीमत किसने बढ़ाई है? कीमत किसने बढ़ाई है? कीमत केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी ने, बिहार सरकार नीतीश कुमार ने बढ़ाया है। हालत बदतर हो गई है। लोगों का जमा पूंजी भी जो था बेटी के शादी के लिए, घर मकान बनाने के लिए, वो खाने पीने में खर्च हो रहा है। ये हालत कर दिया है। महंगाई इतना चरम पर रखी, घोड़ा पर बैठ के हम लोग घूम रहे हैं। इसमें पेट्रोल डीजल या गैस सिलेंडर नहीं डालना होगा, इसको इलेक्ट्रिक पर चार्ज नहीं करना होगा अब तो। और मोदी भक्त गधा पर घूमेंगे, हम घोड़ा पर घूमेंगे, हम राष्ट्रीय जनता दल वाले लोग हैं। आपको क्या लगता है कि ये सब रैली निकालने से मोदी सरकार मान जाएगी और पेट्रोल के डीजल कम? ऐसी है, लोकतंत्र है, जनता को जागरूक कर रहे हैं। चुनाव होगा, हराएंगे पूरी तरह से, जमीन के अंदर चला जाएगा, फिर उठने का नाम नहीं लेगा। आप जो बोल रहे हैं कि आप पेट्रोल डीजल नहीं खर्च करने पड़ेंगे इसमें, लेकिन घोड़ा के भी तो खाना चारा देना पड़ेगा क्या? घोड़े को भी तो खाने और चारे चारा देना होगा। क्या करेंगे, घास घूस काट के ले आएंगे। जब खेत बंजर रहेगा तो घास तो होगा ही ना, प्रकृति के तो भगवान के भरोसे घास घूस काट के खिलाएंगे। हम लोग आए हैं, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ चुका है, गैस का इतना दाम हो चुका है, पढ़ाई लिखाई बच्चों को इतना दिक्कत हो गया है, एक तो बच्चा का भविष्य खराब हो रहा है, गैस हम लोग को चूल्हा संभालना मुश्किल हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है। इसीलिए आज हम लोग आरजेडी के तरफ से तेजस्वी यादव के आह्वान पर हम लोग रोड पर उतर चुके हैं, महिला भी उतरी हुई हैं, सभी महिलाएं हम लोग को काफ़ी कठिनाई की समस्या करनी पड़ रही है। 1000 रुपया गैस सिलेंडर की दाम हो गई है, इसलिए हम लोग मांग करते हैं ये सरकार को कि ये महंगाई को कम करे, अन्यथा आने वाला दिन में इसको हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। डीजल पेट्रोल का दाम आकार कर रहा है, केरोसिन तेल पेट्रोल और कड़वा तेल भी महंगा हो गया। धीरज कुमार, पूर्व विधायक बराड़ी। आपने ये सब रैली क्यों निकाली? पूरे बिहार में साथी तेजस्वी के आह्वान पर महंगाई के खिलाफ हर जिला मुख्यालयों पर आज प्रदर्शन था, और उसमें जिस तरह से कटिहार जिला ने अगली पंक्ति में आने का काम किया है, ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। और सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, नीतीश और मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ये आज का जन समर्थन, कटिहार के खेत खलिहान गांव, गरीब मजदूर, छात्र, नौजवान, सभी लोग महंगाई से त्रस्त हैं, बेरोजगारी से पस्त हैं, उसके खिलाफ आज जिस तरह से एकजुटता लोगों ने दिखाया है, हम पूरे कटिहार जिले वासियों को धन्यवाद देते हैं और लोगों को ये आह्वान करते हैं कि आने वाले दिनों में साथी तेजस्वी के नेतृत्व में नया बिहार बनेगा, लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति होगी, जिसमें सभी वर्गों का समान रूप से सम्मान होगा। और लोग अंगराई ले चुके हैं, उसमें कटिहार भी कहीं से पीछे नहीं। आज पेट्रोल और डीजल की मांग महंगाई बढ़ गई है, तो आप लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार गलत है, लेकिन इससे पहले तो मोदी सरकार अच्छे थे। मोदी सरकार ने लोगों को बहकाया, अच्छे दिन के वादे सपने दिखाए, 15-15 लाख लोगों के खाते में लाने का भरोसा दिया, न जाने क्या क्या लोगों को भरमाया, गरीब के नारों में जुमलों में फंस गए। अब लोगों को सच पता चल रहा है कि ये नौटंकीबाज जुमलेबाज नेता देश को तबाही कर रहा है, जीडीपी गिर रहा है, लोगों की बेरोजगारी बढ़ रही है, सारी समस्याओं से लोग घिर गए हैं।